इस मनी मेकिंग शेयर की सीरीज में एक ऐसे शानदार शेयर के बारे में हम बात करेंगे आज। 100 रुपीज़ से भी नीचे काफ़ी डिस्काउंटेड प्राइस में अवेलेबल है, बट फंडामेंटल्स बहुत शानदार है। कंपनी डाइवर्सिफाइड सेगमेंट में काम करती है, और जिस तरह से अगर हम देखेंगे जो पीछे एक अच्छी खासी गिरावट का दौर हमें देखने को मिला, बट इस स्टॉक ने अपने जो सपोर्ट लेवल था उसको बहुत ही स्ट्रांगली होल्ड किया और स्टिल बहुत अच्छा मूवमेंट शुरू किया। और आज एक्चुअल में जब उसके रिजल्ट्स आए तो एक फैंटेस्टिक सितंबर नंबर पोस्ट करने के बाद एक शानदार 20% का सर्किट कंपनी ने शो किया, और ये इंडिकेट करता है कि कंपनी के अंदर ज़बरदस्त पोटेंशियल है फॉर द लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो बिल्डिंग। अगर आपको किसी को भी करनी है तो ये स्टॉक आप उसमें रख सकते हैं, बिकॉज बड़े वैल्यूज़ के हाई वैल्यू स्टॉक्स तो सभी रख सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में जो सही स्ट्रेटजी होती है वो होती है लो वैल्यू स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल स्टॉक्स, जो कि हाई वैल्यू स्टॉक्स में कन्वर्ट हो जाए आने वाले नियर फ्यूचर में। और ऐसा ही स्टॉक है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। अमेजिंग फंडामेंटल्स हैं, बिजनेस अच्छा है, ग्रोथ प्रोस्पेक्टिव देखें तो बहुत अच्छा है, और स्टॉक होल्ड करने लायक है अगले 3, 4, 5 जितने भी साल आप चाहें। बट फिर वही चीज़ आती है कि आपको क्वार्टरली और हाफ ईयरली यानी कि एवरी 2 क्वार्टर एटलीस्ट रिव्यू जरूर करना चाहिए, चाहे कितना भी स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल स्टॉक हो चाहे कितना वीक फंडामेंटल स्टॉक हो। सकता है कभी कभी जो वीक फंडामेंटल स्टॉक्स होते हैं वो कुछ क्वार्टर्स के बाद, कुछ अच्छी परफॉर्मेंस के बाद एक ट्रेंड रिवर्सल देते हैं, और ये भी हो सकता है कि अच्छे फंडामेंटल के स्टॉक्स जो होते हैं वो 1 या 2 कंटिन्यूस खराब क्वार्टर्स के चलते काफ़ी गिरावट भी दिखा सकते हैं। खैर, ये स्टॉक तो मुझे बहुत शानदार लगता है, और गिरावट के दौर में इस स्टॉक ने जिस समझदारी से और जिस खूबसूरती से अपने बॉटम्स को होल्ड किया वो बहुत अमेजिंग था। और ये दोस्तों कोई और शेयर नहीं है, ट्राइडेंट का शेयर है। ट्राइडेंट एक अच्छा फंडामेंटल पिक है, और इसको आप रख सकते हैं। 69.10 रुपीज़ का स्टॉक है, लगभग 11.30 रुपये का आज एक अपमूव मारा 19.55% का। स्ट्रॉन्ग नंबर्स पोस्ट किए कंपनी ने अगर फाइनेंशियल में सितंबर, हालांकि जून क्वार्टर के नंबर इतने अच्छे पोस्ट नहीं किए थे कंपनी ने, और उसी की वजह से स्टॉक में एक अच्छी खासी गिरावट भी हमें देखने को मिली। बट अल्टीमेटली सितंबर क्वार्टर के नंबर 100% राइज द प्रॉफिट। आप सेल्स देखेंगे लगभग 1391 करोड़ की है जून, और सितंबर लास्ट ईयर देखेंगे 17 में तो 1154 करोड़ की सेल्स रही है। लगभग 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 आप समझ सकते हैं कि 250 करोड़ के आसपास की सेल राइज की है। प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस की बात करेंगे तो जहां लास्ट सितंबर 75 करोड़ का प्रॉफिट था, इस बार 153 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट, यानी कि ऑलमोस्ट डबल हो चुका है, मोर देन डबल। एंड उसके अलावा अगर आप देखेंगे 51 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट था लास्ट सितंबर में, जबकि इस बार 109 करोड़ का, यानी कि मोर देन 100% जो प्रॉफिट है वो इस बार आ चुका है कंपनी की पॉकेट में। EPS भी 1 से बढ़ के 2.15 पहुँच चुका, तो शानदार नंबर्स पोस्ट किए कंपनी ने। मुझे लगता है कि फॉर स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो बिल्डिंग लॉन्ग टर्म के लिए आप इसमें SIP क्रिएट कर सकते हैं, और ये आप लंबी अवधि के लिए रखिएगा। इसमें आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग भी कर सकते हैं जिन लोगों को, और मैं आपको बता दूं कि इसमें शॉर्ट टर्म का जो ट्रेंड है वो लगभग 73 रुपीज़ का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है, वहाँ तक कुछ करेक्शन आपको देखने को मिल सकता है। एंड वंस 73-74 के ऊपर की क्लोजिंग चली जाएगी इस स्टॉक के अंदर, तो ये स्टॉक आपको 85 से लेके 90 रुपीज़ तक के लेवल भी दिखा सकता है आने वाले समय में। सो ओवरऑल बहुत ही बढ़िया स्टॉक है, एंड इनका जो बिजनेस है बेसिकली पूरे ग्रुप का वो आप देख सकते हैं, डाइवर्सिफाइड बिजनेस है इनका, और यहाँ पर हम आपको ट्राइडेंट ग्रुप पर लेके चलते हैं। ठीक है, तो इनका जो मेन कोर बिजनेस तो होम टेक्सटाइल का है, यार्न, पेपर, केमिकल्स एंड एनर्जी, ऑल द सेक्टर्स आर वेरी गुड, स्पेशली टेक्सटाइल सेक्टर और जो पेपर सेक्टर एंड द केमिकल सेक्टर अच्छी तेजी पर। केमिकल सेक्टर में जरूर वीकनेस है फिलहाल, बट पेपर इंडस्ट्री इज़ अमेजिंग, टेक्सटाइल सेक्टर इज़ ऑल्सो वेरी गुड, यार्न इज ऑल्सो मोस्ट डिमांडेबल सेक्टर, एंड एनर्जी एंड केमिकल सेक्टर जो कुछ दबाव में है, बट लॉन्ग टर्म फ्यूचर दोनों ही सेक्टर्स का बहुत शानदार। तो अगर डाइवर्सिफाइड किसी स्टॉक के अंदर आपको पोजीशन बनानी है तो ट्राइडेंट इज वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक। मुझे लगता है कि इस स्टॉक में आप लोगों को जरूर कुछ ना कुछ पोजीशन बनाकर रखनी चाहिए फॉर द लॉन्ग टर्म के लिए।
अगर होम टेक्सटाइल की बात करते हैं तो इनके आपको हम क्लाइंट्स दिखाते हैं, कंपनी के जो होम टेक्सटाइल में जो क्लाइंट्स हैं, सी के, केयरफोर, H&M, आइकिया, ITC होटल, JC पैनी, लाइफ स्टाइल, ताज, सीयर्स, ठीक है, दिलार्ड्स, उसके अलावा कूप, अमेजन, वॉलमार्ट, तो बड़े बड़े ब्रांड्स जो है वो इनके क्लाइंटेल है। साथ ही साथ अगर इसके अलावा आप यार्न सेक्टर में जाएंगे तो यार्न में भी हम आपको इनके क्लाइंट्स को की लिस्ट दिखा देते हैं। रेमंड्स वन ऑफ द फाइनेस्ट, यू नो, आप समझ सकते हैं कि इंडिया के अंदर रेमंड्स का क्या नाम है। अरविंद इज़ ऑल्सो वेरी गुड कंपनी, SL ग्रुप, सो इनकी जो क्लाइंटेल वो काफ़ी अच्छी है, काफ़ी रेपुटेड क्लाइंट्स कंपनी के पास हैं। पेपर सेक्टर में अगर आप देखेंगे तो पेपर सेक्टर में भी आप देख लीजिए इनकी क्लाइंटेल, सेल, ONGC, एक्सिस बैंक, टाटा, अल्ट्राटेक, ADCB, HDFC बैंक, आयशा मोटर, सिटी बैंक, भारत पेट्रोलियम, ICICI बैंक, आइडिया, लार्सन टुब्रू, मारुति सुजुकी कतर, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, NBAD, लूपिन, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। सो ओवरऑल मुझे लगता है कि ये स्टॉक का ओवरऑल फंडामेंटल तो बहुत अच्छे है। साथ ही एक और चीज़ मुझे अच्छी लगी इस स्टॉक के अंदर, शेयर होल्डिंग पैटर्न, जो कि जून क्वार्टर के मुकाबले सेप्टेम्बर क्वार्टर में प्रमोटर्स ने होल्डिंग्स को अपना इंक्रीज किया है बिकॉज प्राइस डिक्लाइन हुआ। आप देखेंगे यहाँ पर जून क्वार्टर में, अगर मैं आपको दिखा दूँ, जून 18 में जो होल्डिंग थी वो 67.78% की थी, 67.78% जून 18 में इनकी होल्डिंग थी। जून में अच्छे नंबर्स पोस्ट नहीं किए थे कंपनी ने, उसके बाद एक अच्छा सडन फॉल देखने को मिला, जहाँ पर 55 रुपीज़ का एक स्ट्रॉन्ग बेस बनाया स्टॉक में। और सितंबर 18 में आप देखेंगे लगभग आप देखिए 68.45, यानी कि इनकी जो यू नो प्रमोटर होल्डिंग थी वो इंक्रीज़ हो गई है। और जबकि अगर आप देखेंगे इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स की होल्डिंग, वो लगभग 11-12%, यानी बहुत ज़्यादा इंडिविजुअल रिटेल निवेशक इसमें इन्वेस्टेड नहीं है, या तो पब्लिक इंस्टीट्यूशंस के पास है या फिर खुद प्रमोटर्स के पास बड़ा स्टेक है। एंड ओवरऑल अगर आप देखेंगे इनके टेक्निकल को भी मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। सो दिस इज़ द टेक्निकल चार्ट, मंथली चार्ट बहुत बढ़िया लग रहा है मुझको, लॉन्ग टर्म का जिसका भी व्यू है शानदार स्टॉक, आप कंटिन्यूसली इसको होल्ड कर रखिए। और इस स्टॉक का बहुत ही मजबूत सपोर्ट लेवल है 55 रुपीज़ का, तो 55 रुपीज़ इज़ द वन ऑफ द फाइनेस्ट सपोर्ट लेवल। अगर 55 के नीचे मंथली क्लोथिंग आई तो फिर ये स्टॉक 40-41 पे जाकर सपोर्ट लेगा, बट ओवरऑल मंथली स्ट्रॉन्ग बहुत अच्छा है, सपोर्ट बहुत अच्छा 55 रुपीज़ का। अपसाइड में अगर हम बात करेंगे तो इनका जो एक छोटा सा हर्डल जो है मंथली चार्ट पे, वो तकरीबन मुझे नज़र आता है 74 रुपीज़ के आसपास। एक बार 74 के ऊपर पोटेंशियली क्लोजिंग आ जाती है स्टॉक के अंदर, एंड डेफिनेटली हम लोग 100+ के लेवल से स्टॉक के अंदर देखने को मिलेंगे हमें वापस। और उसके बाद जो नेक्स्ट लेवल रहेगा लगभग 87 रुपीज़ का रहेगा एक बार 74 के ऊपर की क्लोथिंग आया। एंड फाइनली जो इसका जो ब्रेकआउट लेवल रहेगा स्टॉक का वो रहेगा लगभग 103 का। ओवरऑल ट्रेंड इज़ वेरी गुड इन द ट्राइडेंट, और अभी आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि कुछ और तेज़ी की संभावना है। एक बार 74 के ऊपर की क्लोजिंग आती है देन 85-86 का लेवल ये अचीव कर सकता है स्टॉक इन द शॉर्ट टू मीडियम टर्म में। सो ओवरऑल आप ट्राइडेंट को खरीदिए, छोटा स्टॉक है, कम वैल्यू का, स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल और वैल्यू ओरिएंटेड स्टॉक है जिसको आप अपने पोर्टफोलियो के अंदर रख सकते हैं। सो ये मनी मेकिंग शेयर की सीरीज़ में नेक्स्ट स्टॉक था हमारा। आप इस स्टॉक में अपनी SIP बनाइएगा, हर महीने 50-100 क्वांटिटीज़ को आप ऐड करते रहिए, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है अगर आप हर महीने 50-100 क्वांटिटीज़ ऐड करेंगे, बट जो रिटर्न होगा आने वाले 2-3 या 4 सालों में वो बहुत शानदार हो सकता है इस स्टॉक के अंदर। सो अगले वीडियो में हम लोग फिर कुछ इसी तरह के लो वैल्यू बट हाई पोटेंशियल स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे, तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा। हमारे चैनल को अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।